وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على الإمام الثاني شر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات इससे पहले भी बारह बारह और हमेशा आप खुतबे की इब्तदा में इमाम जुमा से ये बात सुनते हैं कि तकवा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। खुतबा जुमा का लाजमी जुज़ है कि तकवा के बारे में वसीयत की जाए, तकवा के बारे में जोर दिया जाए और तकवा को फ़रोग दिया जाए, क्योंकि इसी से इंसान नजात हासिल करता है। ये महीना जो कुरान का महीना है, ये कुरान किसके लिए हिदायत है? ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो इस वजह से मैं वसीयत करता हूँ कि मैं खुद और आप मोमिनीन तक़वा इलाही की जानिब खुसूसी तवज्जो दें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले इंशाल्लाह इस जुमे से इसके बाद जब भी मुझे तौफीक मिलेगी यहाँ पर आने की और खुतबा देने की, तो इरादा फ़िलहाल यही है कि इसके बाद हम सूरह बकरा की तफसीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये महीना भी कुरान का महीना है। कहीं खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी ऐसी ना गुजरे कि जब हम आलम महशर में दाखिल हों, आलम महशर में हम जाएं, उस महशर में जहाँ पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अमान यौम ला यन्फ़ौ मालुन वला बनून। परवरदिगार, मैं उस दिन की निस्बत अमान मांगता हूँ कि जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। वालिद अपने बच्चों से फरार होगा, वालिदा अपने बच्चों से फरार होगी, और इसी तरह भाई अपने भाई से फरार होकर चला जाएगा। एक ऐसे दिन जब हम हाजिर हों तो हमारी एक उम्मीद ये है कि रसूल और आले रसूल हमारी शिफात करें। तो खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि जब हम आलम महशर में हाजिर हों और हमारी उम्मीद ये हो कि रसूल और आले रसूल हमारी शिफात करें, वहाँ पर हम रसूल खुदा को शाकी देखें कि रसूल खुदा हमारे हाथों से अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाल रसूल या रब्बे इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, कि रसूल खुदा हमसे अल्लाह की बारगाह में शिकायत करके, ऐ अल्लाह ये वही लोग हैं जिन्होंने कुरान को दुनिया में महजूर करार दिया। हमारी उम्मीद यह है कि रसूल और आले रसूल हमारी शफाअत करें, कहीं हम ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें कि जब हम आलम महशर में दाखिल हों तो वहाँ पर रसूल खुदा हमसे शिकायत करें, न सिर्फ हमारी शफाअत ना करें बल्कि अल्लाह की बारगाह में हमारे खिलाफ शाकी हों और हमसे शिकायत करें। लिहाजा होना ये चाहिए कि हम कुरान से मुतमस्सिक हो जाएँ, हम कुरान से तमस्सुक करें, हम कुरान के दामन को मजबूती से उठाएँ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहरहाल उमूम मुसलमानों की उमूम को अगर हम देखें तो बिलउमूम हम वो कौम हैं जिसने कुरान को महजूर करार दिया है। अगर हम कुरान को महजूर करार न देते तो ये आयत नाज़िल ना होती। अगर हम कुरान को महजूर करार न देते, हम कुरान से तमस्सुक करते, हम कुरान को हमेशा पढ़ते, कुरान के बातिन से नज़दीक होते तो रसूल खुदा इस तरह शिकायत ना करते अल्लाह की बात। बस पता ये चल रहा है कि बिलउमूम मुसलमान हमेशा कुरान से दूर हैं।
अक्सर मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी में कुरान से दूर है, लेकिन यही अक्सर मुसलमान माह मुबारक रमजान में कुरान को खोलते हैं। तो पहला मरहला यह है कि बिलुमूम मुसलमान नॉर्मली कुरान की तरफ रुजू नहीं करते, कुरान से हिदायत नहीं लेते। फिर साल में एक महीना ऐसा आता है कि जहां पर लोग कुरान से रुजू करते हैं, लेकिन यही रुजू करने वाले लोग कुरान के जाहिर से सिर्फ रुजू करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती कि मैं कौन सी आयत पढ़ रहा हूं और इस आयत में अल्लाह मेरी किस तरह रहनुमाई कर रहा है। ये बात हमें इस माह मुबारक रमजान में हमारी पूरी तवज्जो और हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हम जल्दी से खत्म कुरान करें, दिन में एक जुज पढ़ें ताकि माह मुबारक रमजान के आखिर तक हमने एक या दो कुरान खत्म किया हो। लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते कि ये माह मुबारक रमजान हिदायत का महीना है और कुरान हिदायत की किताब है। हमने इस माह मुबारक रमजान में इस कुरान से कितनी हिदायत ली, हम इसके बारे में नहीं सोचते। तो इसी वजह से हम रसूल खुदा हमसे शिकायत ना करें, मैंने ये काफ़ी सोचने के बाद इस नतीजे तक पहुंचा कि इंशाल्लाह इसके बाद आइंदा खुतबों में सूरह बकरा और उसके बाद इसी तरह इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अगर तौफीक रही तो कुरान की तफसीर मुख्तसर पहले खुतबे में बयान किया करूँगा। सूरह बकरा की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अच्छा, इसकी तफसीर अगर हम करना चाहें तो मुफस्सिरीन नॉर्मल की रविश ये है कि जब इस आयत की तफसीर करना शुरू करते हैं तो इस आयत में बयान किए हुए सबसे पहले हरूफ को के जो अलिफ लाम मीम है उनके बारे में ज्यादा गुफ्तगू करते हैं कि जिसे हम नॉर्मली हरूफ मुकद्दा के नाम से जानते हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा काफ हा या ऐन सा, अलिफ लाम। इसी तरह जो भी हरूफ 29 सूरों की इब्तिदा में बयान होती हैं और आती हैं उन्हें हम हरूफ मुकद्दा कहते हैं। तो मुफस्सिरीन के दरमियान ये बहस है कि अल्लाह ने डायरेक्ट के उस ज़ालिकल किताब से इस सूरे की इब्तिदा नहीं की कि उससे पहले अलिफ लाम मीम हुरूफ मुकद्दा बयान किए, और कुरान मजीद के 29 सूरों में 29 सूरों की इब्तिदा हुरूफ मुकद्दा से होती है। बहरहाल हुरूफ मुकद्दा क्या है इस हवाले से मुफस्सिरीन के दरमियान मुफस्सर और डिटेल्ड उन्होंने गुफ्तगू की है, अपने दलाइल बयान की। 15 से 20 मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं हुरूफ मुकद्दा के हवाले से। मैं आज उन तमाम नजरियात को बयान नहीं करूंगा क्योंकि बहरहाल हमारा खुतबा कोई दर्ज तफसीर नहीं है, लेकिन ये कि मुख्तसर हम मआरिफ कुरान से आशना हो ये हमारा हदफ है। तो उन मुख्तलिफ नजरियात में से सबसे जो मशहूर नजरिया है और जिसके बारे में मुख्तलिफ मशहूर मुफस्सिरीन दलाइल देते हैं वो ये है कि ये हुरूफ मुकद्दरा इस बात की अलामत है कि ये अजीम कुरान, ये कुरान जो दिलों पर नफूज करता है, ये कुरान जो दिलों को मुतासर करता है, ये कुरान जो लोगों को हिदायत के मेराज तक पहुंचाता है, ये अजीम कुरान, ये करीम कुरान, ये अजीम हकीकत वाला कुरान किन हरूफ से बना है, इन मामूली हरूफ से जो हमारे और आपके दरमियान राइज है। कुरान के असर के हवाले से बहरहाल हमने स्कूलों में और मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ दास्तानें पढ़ी हैं कि किस तरह कुफार अपने जवानों को मना किया करते थे कि आप रसूल खुदा के कलाम को ना सुने, जब आप रसूल खुदा के अतराफ से गुजरे या उनके जब नजदीक जाए तो अपने कानों में रुई डाल दिया करें, क्यों? क्योंकि जब रसूल खुदा कुरान की तिलावत करते तो ये कुरान दिलों में महफूज करते, ये रूहान, ये कुरान रूहों को झंझोड़ता, ये कुरान अफकार को झंझोड़ता और इसी तरह जवानों को हिदायत करता था। ये अजीम कुरान जो इस तरह दिलों को मुतासर करता है, ये कुरान जो जिस तरह ये रूहों को मुतासर करता है और अफकार को मुतासर करता है, इन हुरूफ मुकद्दा का फलसफा यह है, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इन्हीं सादा हुरूफ से अलिफ़बा से बना है जिसे हम और आप अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में और आराब अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये कुरान जो फसाहत और बलागत का एक अजीम कुल्ला है, ये कुरान जो फसाहत और बलागत के हवाले से उस मेराज पर है कि कोई कलाम फसाहत और बलागत के हवाले से इस मेराज तक नहीं पहुंच सकता। ये कुरान जो उस फसाहत और बलागत के उस मेराज पर है, ये इन्हीं मामूली और नॉर्मल हरूफ से बना है। आपको मालूम है कि इस्लाम से पहले आराब के दरमियान एक मेला लगता था, एक अदबी तिजारी मेला लगता था,
कि उस मेले में मुख्तलिफ कबाइल के मुख्तलिफ बड़े बड़े शुअरा अपने अशआर आकर पेश करते थे, अपना कलाम आकर पेश करते थे, और वहां पर एक ग्रुप बनता था, एक टीम बनती थी जो जजमेंट करती थी कि सबसे बेहतरीन कलाम किसका कलाम है, किस कबीले का कलाम है। और वो मुद्दतों तक अपने उस कलाम पर, अगर कोई जीता उस मेले में, उस अदबी मेले में कोई कामयाब होता, मुद्दतों तक वो अपने उस कलाम पर फख्र करते। बहरहाल इस तरह एक अदबी माहौल था। हर चंद इख्तसादी हवाले से, दुनियाई पेशरफ के हवाले से, इस्लाम से पहले जो आराम थे, जो मक्का और मदीना और अतराफ में जिंदगी किया करते थे, वो ज्यादा आगे नहीं थे इख्तसाद के हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से ज्यादा रिच नहीं थे, लेकिन अदबी हवाले से उनके हाथ बहुत ज्यादा पेशरफ हुई थी। इसी वजह से आपको पता है कि जब कोई नबी किसी मुआशरे में आता है, लोगों के दरमियान आता है, तो जो नबी का मोजज़ा होता है वो अपने जमाने के शराइत के मुताबिक होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इसी तरह सहर और जादू का चर्चा था, हर तरफ जादूगर नजर आते थे। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा है वो उसी के मुताबिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब में बहुत पेशरफ हुई थी, इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा है वो तिब के हवाले से। हमारे रसूल खुदा का मोजज़ा एक मोजज़ा कुरान है, और कुरान एक बेहतरीन फसाहत और बलागत और अदबी मोजज़ा और हकायक के हवाले से एक बेहतरीन किताब। तो जब ये आरब अदब के हवाले से इतने आगे थे, तो कुरान जब आया और अपने उस अदबियात के हवाले से कुरान लोगों को चैलेंज करने लगा कि अगर तुम इस तरह का कोई कलाम ला सकते हो तो आओ अपना कलाम पेश करो। ये कौम जो इस अदबी तरक्की के बावजूद इन्होंने आज तक कोई ऐसा कलाम पेश नहीं ये कर सके कि आकर वो कुरान का मुकाबला करे, आकर वो कुरान का मुकाबला करे। फसाहत और बलावत के हवाले से इस उरूज पर, और वो कौम जो अदबियात में इस कदर आगे, वो कुरान का मुकाबला नहीं कर सके, कुरान का मुकाबला नहीं कर सके। लिहाजा ये अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुकद्दरात इस बात की दलील है कि ये किताब जो फसाहत और बलावत की अजीम किताब है, जो आसमानी और जमीनी हकायक के हवाले से जो अजीम हकायक इस कुरान ने बयान किए हैं, वो इन्हीं मामूली और सादा हुरूफ से ये कुरान तश्कील पाया है। ये कुरान इन्हीं मामूली और सादा हुरूफ से तश्कील पाया है, और इस तफसीर हुरूफ मुकद्दरा की, इस तफसीर के हवाले से हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। मसलन एक रिवायत इमाम अली इब्न हुसैन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उनकी एक रिवायत है कि जब कुरान नाजिल हुई और कुरान तबलीग होने लगी, तो कुरैश ने, कुफार ने और यहूदियों ने एक प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया कि ये उस नफूज के हवाले से और उस तासीर के हवाले से इन्होंने प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया कि ये एक जादू है, ये एक जादू वाली कलाम है जो दिलों पर असर करती है, यानी इसकी कोई हकीकत नहीं है। बस जिस तरह जादू ने एक जादूगर दूसरे को मुतासिर करता है, उसकी आंखों के सामने कुछ इस तरह के ट्रिक्स करता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मसलन ये ख्याली हकीकत असली हकीकत है, हकीकी हकीकत है, तो वो कहने लगे कुरान के बारे में कि ये कुरान एक जादू है, उसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान ने हुरूफ मुकद्दरा को इसलिए बयान किया कि ये कोई जादू नहीं, ये मामूली हुरूफ से बनी एक हकीकत और एक किताब है, एक मामूली हुरूफ से जिसे तुम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, लिहाजा ये कोई जादू नहीं। या इसी तरह इमाम रजा अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह की रिवायत मंसूब है कि लोगों ने कुरान पर एतराज करना शुरू कर दिया कि ये कुरान हकीकत से दूर है, ये कुरान एक जादू है, तो खुदावंद मुताल ने ये बयान किया कि नहीं, ये कुरान जादू नहीं है, बल्कि ये कुरान इन्हीं हुरूफ का मजमूआ है जिसे हम और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और इसी सूरह के जब हम अगली आयात तक पहुंचेंगे तो वहां पर एक मौजू जो बहुत अहम मौजू है वो तहकी का मौजू है कि रसूल के कुरान दावत देता है लोगों को कि अगर तुम कहते हो कि यह किताब सही किताब नहीं है, इस किताब में मसाइल मौजूद है, तो आकर इससे बेहतर कोई कलाम ले आओ। और आज तक कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा शख्स या जितने भी कुफार गुजरे हैं, कोई ऐसा कलाम नहीं ला सके जो कुरान का मुकाबला कर सके। और कुरान का मोजिजा होने की एक वजह यही है
कि कुरान इस हवाले से मौजूदा है कि बज़ाहिर ये उन्हीं ज़ाहिरी हुरूफ से तश्कील पाया है, लेकिन आज तक तारीख में 1400 साल इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मतलब दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले में। और इस बात की तीसरी दलील ये है कि ये हुरूफ़ मुकद्दरा इनका फलसफा ये है कि ये इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि कुरान इन्हीं अल्फाज का मजमूआ है। 29 सूरों में जिनकी इब्तिदा हुरूफ़ मुकद्दरा से होती है, इन 29 सूरों में 24 ऐसे सूरे हैं कि जब भी हुरूफ़ मुकद्दरा बयान हुए उसके बाद फौरन इस खिताब का तस्करा हुआ। जैसे सूरह हूद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, या सूरह नमल में तासीन तिलका आयातुल कुरान, सूरह लुकमान में अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िल इलैक। 24 सूरों में जब भी इन हुरूफ़ मुकद्दरा का जिक्र हुआ उसके फौरन बाद इस किताब का तस्करा, ये किताब मुहकम है, ये किताब मजबूत है, इस किताब की आयात मजबूत और मुहकम है। तो ये आयत इस बात की दलील है कि हुरूफ़ मुकद्दरा का फलसफा ये है कि अल्लाह ये बयान करना चाह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, ये मोजज़ाती किताब, ये तकदीर बदल देने वाली किताब अल्लाह की जानिब से है और ये आम हुरूफ़ से तश्कील पाया है। कोई ऐसी चीजें इसमें नहीं है, ऐसे हुरूफ से ये तश्कील नहीं पाया कि बशर आकर कहे कि नहीं हम इन हुरूफ से आशना नहीं है, हम इस लेवल पर नहीं ला सकते। अगर खुदा हमारे कलाम के मुताबिक कोई कलाम लाता तो हम उसका मुकाबला कर सकते, नहीं। ये हुरूफ वही हुरूफ है जिसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई इस किताब का सानी नहीं ला सका। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, कि वो किताब, नॉर्मली जब हम तर्जुमे में पढ़ते हैं तो ये किताब पढ़ते हैं, लेकिन अरबी इबारत के हवाले से अगर देखें तो ज़ालिका अरबी ज़बान में दूर की तरफ इशारा है, ज़ालिका किताब यानी वो किताब। अब मुफस्सिरीन सवाल ये करते हैं कि जब किताब हमारे पास है तो वो का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, दूर की तरफ क्यों इशारा किया गया, दूर की तरफ क्यों इशारा किया गया। तो मुफस्सिरीन इसकी वजह ये बयान फरमाते हैं क्योंकि कुरान की हकीकत बहुत असीम है, कुरान की हकीकत बहुत बुलंद वाला है, कुरान की हकीकत हमसे दूर है। ये कुरान की 2 जिल्दों में चंद सफहात और मुश्तमिल किताब हमारे पास है, ये कुरान की जाहिरी सूरत है, लेकिन कुरान की हकीकत और कुरान का बातिन जो एक जावेद और जिंदा हकीकत है वो बहुत बुलंद वाला है, बहुत बहुत बुलंद मर्तबा किताब है। लिहाजा इस आयत में जब फरमाता है ज़ालिकल किताब यानी वो किताब, इसका मतलब यह है कि उस किताब की हकीकत और आली हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि वो हकीकत इंसान को हिदायत देती है, ये कलिमात उन हकीकत की अक्कासी करती है। अगर इन कलिमात के जरिए कोई उस हकीकत तक पहुंच जाए तो वो हिदायत याफ्ता शख्स, अगर कोई इन्हीं कलिमात में फंसा रहे हत्ता इन्हीं कलिमात के लेवल से उसका लेवल नीचे हो तो वो एक खुसरान याफ्ता शख्स है, उसने नुकसान उठाया है, उसने नुकसान उठाया। इस वजह से दूर की तरफ इशारा है कि ज़ालिकल किताब यानी वो हकीकत अजीम, वो हकीकत करीम, वो हकीकत बुजुर्ग ला रैब, जिसमें कोई शक नहीं, किसी शक की गुंजाइश नहीं, किसी शक की गुंजाइश नहीं। हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत उन अल्फाज कहते हैं जिसे हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमारे ज़बानों पर नॉर्मली ये लफ्ज मौजूद है, हिदायत, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह अल्लाह फलां शख्स को हिदायत दे। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत उस रहनुमाई को कहते हैं जो लुत्फ और मोहब्बत के साथ हो। सूरह हम में भी हमने सिर्फ अल्लाह के लुत्फ और करम और मोहब्बत के हवाले से आयत की तिलावत की, और सूरह हम के बाद सूरह बकरा में भी अल्लाह के लुत्फ और करम और मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह कितना करीम है, ये अल्लाह कितना रहीम है। बस हिदायत उस रहनुमाई को कहते हैं जो अल्लाह मोहब्बत और रहमत के साथ रहनुमाई करता है। अलबत्ता यहाँ पर मुफस्सिरीन उलेमा हिदायत की 2 अकसाम बयान फरमाते हैं, ये बहरहाल हमारे लिए अच्छा है कि हम इन मबाहिस से आहिस्ता आहिस्ता आशना हों। सिर्फ ये कि झूठ हराम है, गीबत हराम है, उनसे आहिस्ता आहिस्ता आगे आए, उन पर अलबत्त सख्ती से अमल करें, लेकिन ये कि मारिफ के हवाले से हमारी मारिफत को दिन ब दिन बढ़ना चाहिए।
हिदायत के हवाले से उलमा दो किस्म की हिदायत बयान फरमाते हैं। कहते हैं अल्लाह दो किस्म की हिदायत करता है मखलूकात को, एक तकवीनी हिदायत और एक तशरीई हिदायत। तकवीनी हिदायत क्या है? तकवीनी हिदायत ये है कि अल्लाह जिस तरह अल्लाह ने मखलूकात में और इस दुनिया में और मुख्तलिफ अवालिम में कवानीन खल्क किए हैं, जिन कवानीन के बिना पर यह दुनिया सर्कुलेट कर रही है, जिन कवानीन के बिना पर यह दुनिया चल रही है, उन कवानीन को हिदायत तकवीनी कहते हैं, रहनुमाई तकवीनी। हमने अपने दिल को नहीं सिखाया कि तुमने इस तरह धड़कना है, इस प्रेशर के साथ धड़कना है, इस एक मिनट में तुमने इतनी मरतबा धड़कना है कि मेरे जिस्म के हर हिस्से में खून पहुंचे। हमें पता ही नहीं है कि एक मिनट में दिल को कितनी मरतबा धड़कना चाहिए। तो बहरहाल साइंस और टेक्नोलॉजी के सदके और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चला है, बाज लोगों को पता है कि दिल एक मसलन मिनट में 72 से या उससे ऊपर नीचे इस मिकदार में धड़कता है। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इंसानी बदन के लिए जरूरी है कि दिल इस मिकदार में धड़के एक मिनट। ये अल्लाह की हिदायत तकवीनी है कि उसने दिल को बता दिया कि तुमने एक मिनट में कितनी मरतबा धड़का है। हमें पता नहीं है कि हमारी जमीन की स्पीड सूरज के गिर्द क्या है, हमारी जमीन की स्पीड। अल्लाह ने हिदायत कर दी इस जमीन को, इस आसमान को, इन हवाओं को, इस पूरे निजाम को अल्लाह ने तकवीनी हिदायत की कि ये मखलूक और ये निजाम हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन निजाम करार पाए। ये अल्लाह की तकवीनी हिदायत है, ये अल्लाह की तकवीनी हिदायत है। और एक हिदायत तशरीई हिदायत है जो अल्लाह अपने अहकाम के जरिए लोगों को हिदायत करता है। तकवीनी हिदायत, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे कोई नहीं सिखाता कि तुमने इस तरह खाना खाना है, तुमने इस तरह दूध पीना है, उसे ऑटोमेटिक पता होता है। यह है तकवीनी हिदायत, उसे पता होता है कि मैंने दूध को किस तरह चूसना है, दूध को किस तरह पीना है, यह तकवीनी हिदायत। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है तो अल्लाह उसके लिए शरीयत भेजता है और दीन भेजता है। ऐ मेरे बंदे, तुमने इन इन कामों के नजदीक नहीं जाना, ये काम तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, ये काम तुम्हारी रूह को नुकसान पहुंचाएगी, ये काम तुम्हारी दुनिया और आखिरत को खराब करेगी। यह है हिदायत तशरीई। तो कुरान किस हिदायत का, किस हिदायत की किताब है? कुरान तशरीई हिदायत की किताब है, तशरीई हिदायत की किताब है। कि अल्लाह जब अपने बंदे को अपनी जानिब दावत देता है कि इंसान ने बंदगी के मेराज पर पहुंचना है, ऐ अल्लाह उस बंदगी के मेराज तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो अल्लाह फौरन अपने बंदों के लिए इस किताब को पेश करता है। बंदगी के मेराज तक पहुंचना चाहते हो मेरे बंदे, इस किताब पर अमल करो। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन बंदगी को उस अजीम मेराज पर पहुंचे, हमारे और आपके आका और मौला हजरत अमीरुल मोमिनीन किस लिए उस बंदगी के मेराज पर पहुंचे? इस किताब पर अमल। बल्कि या यूं कहूं कि अगर उस किताब को हम अमली जामा पहनाना चाहें, अगर उस किताब को हम मुजस्सम देखना चाहें, तो वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मतलब दुरूद पेश मोहम्मद वाले और आखिरी नुक्ता इस हवाले से इस खुतबे को मैं यहीं पर तमाम करता हूँ, इस आखिरी नुक्ते को बयान करके कि क्या ये किताब सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है? क्या इस किताब के, इस किताब से हिदायत लेने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है? यानी तारीख में इस किताब ने कुफार को हिदायत की, तो क्या वो मुत्तकी थे कि इस किताब ने उनको हिदायत की? तो अगर हम तकवा की उस डेफिनेशन को, जो मैंने पिछले खुतबों में बयान किया कि तकवा की डेफिनेशन क्या है, तो तकवा की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो उसमें मुत्तकी की मुख्तलिफ कैटेगरियां बनती हैं। एक वो मुत्तकी है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करता है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन एक मरहले में वो शख्स भी मुत्तकी कहलाएगा अपने एतबार से कि जो हक पर तो नहीं है लेकिन हक की निस्बत तड़प रखता है, हक की निस्बत तड़प रखता है। अगर वो इस बात का इरादा रखता है कि अगर मुझे कहीं से हक मिल जाए तो मैं उस हक को तस्लीम करूँ, उसके मुकाबले में वो कुफार और वो अहले बातिन है जो इस बात का इरादा रखते हैं कि जहां पर भी मुझे हक नजर आए उस हक का मैं मुकाबला करूंगा, उस हक का मैं मुकाबला करूंगा। तो जो अहले बातिन इस नजरिए पर कायम है कि अगर मुझे हक मिल जाए तो मैं उस हक को तस्लीम करूंगा, जिस तरह बहरहाल कुफार और दुनिया में रिवायात में हमें मिलता है कि जब हमारे मौला और आका इमाम ज़माना शरीफ लाएंगे और लोगों को दावत देंगे, दलाइल बयान करेंगे, तो ईसाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इमाम की दावत को कबूल करेगी। वो कौन सी तादाद?
वो कुफार और वो ईसाई होंगे जो हक की निस्बत तड़प रखते हैं। ज़ाहिरिया वाले से बेचारे गुमराह हैं, उन तक हक बात नहीं पहुंची, लेकिन उनके अंदर ये तड़प है कि अगर मुझे हक मिल जाए मैं हक को तस्लीम करूंगा, हक को कबूल करूंगा, तस्लीम करूंगा। लिहाजा कुरान किन लोगों को हिदायत करे? कतअन कुरान उन लोगों को हिदायत नहीं कर सकता जो इस बात पर तुले हों कि मैं हक को कबूल नहीं करूंगा। जो मैं कहता हूं वही हक है, जो मैं कहता हूं वही हक है। लिहाजा चाहे उस लेवल पर कोई कुरान से हिदायत देना चाहे, उसके अंदर ये क्वालिटी और ये सिफत होनी चाहिए कि वो हक की निस्बत तवासुल कि जहां से हक मिले मैं उस हक को तस्लीम करूंगा। और चाहे खुद मुसलमानों के अंदर हो कि हम साहिब तकवा बने तब ही ये किताब हमें हिदायत देगी। अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं, अल्लाह की नाफरमानी करते जाएं, अल्लाह की मुखालफत करते जाएं, जानने के बावजूद अल्लाह के अहकाम को पामाल करते जाएं, ये किताब हमें हिदायत। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك والأبتر صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين السلام على محمد بن علي السلام على جعفر بن محمد السلام على موسى بن جعفر السلام على علي بن موسى السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمد السلام على حسن بن علي السلام عليك أيها القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باری الہ امام زمانہ کے قلب کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائیں، باری الہ ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تاجیل عنایت فرمائیں، باری الہ امام زمانہ علیہ السلام کے زبان مبارک کو ہمارے لیے دعا گو اور مستغفر قرار دے۔ مرتبہ درود بھیجی محمد والے محمد۔ دوسرے خطبے کی ابتدا میں بھی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اور آپ مومنین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تین چار امور کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہرحال امور ضروری ہیں لیکن چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، ہر موضوع کے حوالے سے دو تین منٹ گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ عید کا مسئلہ ہے کہ بہرحال کل عید ہے، عید اللہ کی جانب سے مومنین کے لیے ریوارڈ کا دن ہے کہ اللہ اپنے ان مخلص بندوں کو، ان اچھے بندوں کو، ان روزے داروں کو عید کے دن انعام دینا چاہتا ہے، عیدی دینا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضائیت کی خاطر ایک مہینے اپنے ان حلال چیزوں کو جنہیں میں نے ان پر حلال قرار دیا تھا ان سے میرے لیے اس بندے نے دوری اختیار کی۔ اسی وجہ سے بزرگان فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں کہ جب انسان افطار کرنا چاہے، چونکہ انسان نے اللہ کی رضائیت کی وجہ سے پورا دن روزہ رکھا ہے، انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان جب اپنے منہ میں پہلا نوالا رکھنا چاہے، خصوصاً کھجور کے ساتھ اگر انسان افطار کرے تو انسان کے نماز کا ثواب 400 برابر بڑھ جاتا ہے۔ تو بزرگان فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلا کھجور اپنے منہ میں رکھنا چاہتا ہے تو اپنے منہ کے نزدیک لائے اور اپنے منہ سے دوبارہ اس کھجور کو دور کر دے۔ اللہ پر اللہ کی نسبت کیا کرے؟ اللہ کی نسبت کچھ نخرا کرے کہ اے اللہ میں نے تمہاری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اے اللہ میں اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک تم میرے گناہوں کو بخش نہیں دیتے۔ اللہ جب اپنے بندے کی اس حالت کو دیکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور عید کا دن اور عید کی رات پورے ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے عروج پر ہے۔ روایت میں ہے کہ جب پہلی شب ماہ مبارک کے رمضان کو جتنے بندوں کو بخشتا ہے، دوسری شب اللہ اس کے دو برابر بخشتا ہے،
तीसरी शब उसके दो बराबर, चौथी शब उसके दो बराबर, यानी हर रात जो तादाद पहली शब में बख्शी जाती है दूसरी रात उसका डबल हो जाता है, तीसरी रात उस डबल का डबल हो जाता है, और चौथी रात उस ट्रिपल का डबल हो जाता है, और इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता जाता है जब तक शब ईद पहुँचती है। और शब ईद माह मुबारक रमज़ान के शबों में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह गुनाहकारों को बख्शता है, आतिश जहन्नम से निजात देता है, वो शब ईद है। अलबत्ता नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि जब शबाए कदर गुजर जाती है तो हमारी इबादत में कमी आ जाती है, ये बहरहाल उरफा की ये रविश नहीं है। शबाए कदर के बाद हमारे उरफा और जो पहुँचे हुए सालिक अल्लाह के सालिक होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनकी इबादत में इजाफा होता है। आपको पता है कि रसूल खुदा आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे में अपना बिस्तर बिल्कुल बिछाते ही नहीं थे, कुछ मुख्तसर आराम करके इस आखिरी अशरे में रसूल खुदा मुसलसल इबादत और अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहते हैं। लिहाजा ईद को हम इस निगाह से ईद मनाएं, इस निगाह से ईद देखें कि हमें एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, हमें अल्लाह की तरफ से एक इनाम और एक अजर मिलने वाला है, वो और वो अजर इंसान को ईद के दिन मिलता है। लिहाजा ईद अगर हम नमाज एक मरतबा दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद तो ईद के दिन इंसान को ये अजर और ये रिवॉर्ड मिलने वाला है अल्लाह की जानिब से। दूसरा मसला जो बहुत अहम मसला है, बहरहाल हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हैं और सूरत हाल है कि मुल्क में जो ताकत और इख्तदार की कींचा तानी है उससे आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ये मुल्क अगर कायम व दाइम है इस आवाम की वजह से कायम व दाइम है, अगर इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ कोई देता है तो वो इस मुल्क की आवाम है जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए दिनों रात और शब और रोज़ मेहनत करते हैं, और इसी आवाम के बच्चे हैं, इन्हीं माओ बहनों के जवान हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। लिहाजा पहली प्रायोरिटी हुकूमत की और जो सियासी हलके हैं उनकी पहली प्रायोरिटी ये आवाम होनी चाहिए कि अगर ये मुल्क है इस आवाम की वजह से है, अगर ये आवाम पिस जाए, ये आवाम ज़ेर हो जाए, इस आवाम का हुकूक पामाल हो जाए तो बहरहाल हम इस मुल्क को क्या करेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए कायद आज़म और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात ने जद्दोजहद की तो वो इस वजह से कि ये मुसलमान सही तरीके से अपने इस्लाम की प्रैक्टिस कर सके, सही तरीके से और दीनी उसूलों और अकदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। जबकि हम देखते हैं कि इस ताकत की कींचातानी में और इन हालात में ये आवाम पिस रही है, ये आवाम न नमाज की तरफ सही तवज्जो दे पा रही है, ये आवाम न इक्तसाद की तरफ सही तवज्जो दे पा रही है। वो किस वजह से है? वो इन हालात की वजह से है कि एक गरीब बेचारा अब दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है, उसे इतना वक्त नहीं मिलता कि वो अल्लाह के लिए आकर अल्लाह की आकर बंदगी करे, वो अल्लाह से राजो नियाज करे, वो अल्लाह की तरफ बढ़े, अल्लाह की तरफ तकवा इख्तियार करे। नहीं, वो बेचारा उसको लगा दिया गया है कि वो दो वक्त की रोटी के लिए दर बदर फिरता रहे। बहरहाल जिस तरह अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है लेकिन हुकूमत जुल्म के साथ नहीं चल सकती। लिहाजा मेरी नज़र यह है कि जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, बेहतरी मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इस मुल्क में फौरन इलेक्शन कराया जाए। मेरी ये ज़ाती नज़रिया है, मेरा ज़ाती नज़रिया है और मेरी ज़ाती राय है कि जब तक जिस कदर इस मुल्क में इंतखाबात को तूल दिया जाए इसी तरह आवाम पिसती रहेगी, और ये जो हुकुमरान बरसर इख्तदार आते हैं वो इन्हीं आवाम के बलबूते पर बरसर इख्तदार आते हैं। अगर इन्हीं का ख्याल ना रखा जाए, अगर इन्हीं के हुकूक को इन्हीं के हुकूक की रियायत ना की जाए तो उस इख्तदार का इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदा नहीं। मुमकिन है ज़ाती बैंक बैलेंस के लिए और ज़ाती प्रोटोकॉल्स के लिए और ज़ाती अपने ऐशो इशरत के लिए फ़ायदे हों लेकिन इस मुल्क के लिए इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा बेहतरीन इसी में है कि फ़ौरन इस मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए। जब इंतखाबात ऐन कानून के मुताबिक हैं, कानून के मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस बात पर वाज़े अंदाज में अपना मौक़िफ़ कानून ने और आईन ने बयान कर दिया है कि इस मुद्दत में इंतखाबात होनी चाहिए। बहरहाल अगर इंसान कीड़े निकालना चाहे तो बाज़ लोग अल्लाह की किताब से भी नऊज़ु बिल्लाह इस तरह के मसाइल निकालते हैं, लेकिन जब आईन में वाज़े अंदाज में ये बयान किया गया है कि बहरहाल जब
असेंबली तहलील होती है, हुकूमत ख़त्म होती है, निगरान हुकूमत आती है, तो 90 दिन के अंदर फौरन इंतखाबात होने चाहिए। लिहाजा इसमें अगर इस तरह के मसाइल पेश आए तो जो आइन की बालादस्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से हज़्म हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आइन का जो तकद्दस है वो आहिस्ता आहिस्ता पामाल हो जाएगा। लिहाजा बेहतरीन इसी में है कि इस आवाम का ख्याल रखा जाए और इस आवाम के हुकूक़ के हवाले से ये जो बहरहाल मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं वो अपनी उस अनानियत से नीचे आए और इस आवाम का ख्याल रखें। दूसरा मसला बहरहाल इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है वो सूडान का मसला है, जिसमें बहुत कशीदगी बढ़ रही है। इस हवाले से भी जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि एक मोमिन को अपने हालात और शराइत के हवाले से आगाह होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए एक मोमिन को कि हमारे खित्ते में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो उस हवाले से और फ्रांस के हवाले से एक दो अराइज़ और आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। इस वक्त सूडान में दो फ़ौजी और नीमा फ़ौजी और उन क़ुव्वतों के दरमियान एक कशमकश चल रही है। ये फ़ौजी हुकूमत 2021 को बरसर इकतदार आई, अल-बशीर की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और ये निज़ामी और फ़ौजी हुकूमत 2021 को बरसर इकतदार आई। जब 2021 को ये बरसर इकतदार आई तो ज़ाहिरन 2019 को ये RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स जो नीमा फ़ौजी एक क़ुव्वत है और फोर्स है सूडान में, इसे कानूनी हैसियत दी गई। लेकिन जब ये फ़ौजी निज़ाम बरसर इख्तदार आया, मुकम्मल फ़ौजी निज़ाम, तो इसने सिविल हुकूमत के साथ और सिविल अथॉरिटीज़ के साथ एक करारदाद पेश करना इन्होंने चाहा कि उस करारदाद में मुख्तलिफ़ बातें, उस करारदाद में एक बहुत अहम बात यह है कि इस RSF को फ़ौज के साथ मुलहक किया जाए, इसकी मुस्तकिल जो हैसियत है वो ख़त्म की जाए और इसे फ़ौज का हिस्सा बनाया जाए, जिसके नतीजे में ये रेजिस्ट कर रहे हैं RSF। और अभी जो मसला चल रहा है वो RSF और फ़ौज के दरमियान चल रहा है कि बहरहाल इसमें सैकड़ों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, एक क्राइसिस सख्त सूरत हाल इख्तियार कर रही है। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें इसका पस मंज़र क्या है, इस पर कभी अगर फुर्सत मिले तो मुफस्सल इस पर बात करने की ज़रूरत है। कौन सी क़ुव्वतें हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन सा फ़ोर्स, कौन सी फ़ोर्स किस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे हैं, बहरहाल बातें इसमें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये कि इब्तदाई सूरत हाल और कुल्ली सूरत हाल सूडान में ये चल रही है और इसके साथ साथ फ़्रांस में भी मुजाहरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इस वजह से है कि बहरहाल मैक्रोन ने एक कानून पास किया कि उसमें जो काम करने की आखिरी लिमिट है वो 62 साल थी, 62 ईयर्स थी। इस कानून के तहत अब लोगों को जो है वो 64 साल की उम्र में रिटायर किया जाएगा, 64 साल तक लोगों ने काम करना है, जिसके हवाले से तज़ाहुरात हो रहे हैं और मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ गिराओ का एक सिलसिला जारी है। इससे एक नुक्ता जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, उस नुक्ते को बयान करके आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा, वो नुक्ता ये है कि जिस तरह पिछली मरतबा भी मैंने ये नुक्ता अमेरिका के हवाले से बयान किया कि एक डॉक्ट्राइन जिसे दुनिया पर मुसल्लत कर दिया गया था कि अगर दुनिया के लोगों को निजात हासिल करना है तो वो सिर्फ वेस्ट और अमेरिका के तवस्सुत से हो सकता है, वो डॉक्ट्राइन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग निजात दे सकते थे इंसानियत को तो सबसे पहले आप अपने मुल्क को निजात देते, अपने निज़ाम को निजात देते। हर चंद दिनों बाद किसी एक यूरोपीय मुल्क में या अमेरिका में तज़ाहुरात का सिलसिला, आप इसराइल की मिसाल ले लीजिए, तो आप मुंजी नहीं हैं जिस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए कि इस डॉक्ट्राइन को लोगों के जहनों में बिठा दिया जाए, मुख्तलिफ कार्टून्स के हवाले ज़रिए, मुख्तलिफ फिल्मों के ज़रिए। जितने भी आप फिल्मों को देख लीजिए, ये कार्टून्स जो हमारे बच्चे देखते हैं, आप इनको अगर बैठकर कुछ इस पर गौर करें तो एक मुश्तरका नुक्ता इसमें यह है कि जितने भी निजात देने वाली शख्सियात और सुपर हीरोज हैं वो तमाम किन की हैं, या गर्ब की हैं या अमेरिका की है, या यूरोप की हैं या अमेरिका की। मशरकी ममालिक से कोई निजात देने वाला नहीं निकलता, लिहाजा वो दुनिया को क्या तासुर देना चाहते हैं, वो दुनिया को ये तासुर देना चाहते हैं कि अगर इंसानियत ने निजात पाना है तो वो अमेरिका के बलबूते पर पाना है, अगर इंसानियत ने निजात पाना है तो वो यूरोप के बलबूते पर इंसानियत ने निजात पाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये डॉक्ट्राइन और ये नज़रिया आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ज़ईफ़ होता जा रहा है और हमारा जो
दीनी और बहरहाल अकीदती नज़रिया है कि दुनिया को निजात देने वाला हमारा और आपका आखिरी इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद इमाम का लुत्फ़ और इमाम की नज़र ख़ास है कि ज़मीना आहिस्ता आहिस्ता और ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता राहें इस बात के लिए हमवार हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आपस में नज़दीक हो रहे हैं। इन मुसलमानों को बहरहाल सालों तक लड़ाया गया, ये मुसलमान अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो रहे हैं और इस हकीकत को जान चुके हैं कि हमारी निजात इसमें कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक साथ हो जाएं और दुश्मन का एक साथ मुकाबला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलअस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم।